तीन कट्टे रेता और एक कट्टा सीमेंट, थोड़ा रेता और लाएंगे। हो चुका हमारा मेटल तैयार। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे आप लोग, आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे, सब मस्त होंगे, अपने परिवार के साथ कुशल मंगल में होंगे। और एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने डेली ब्लॉग के एपिसोड छठवें में। तो करते हैं आज के दिन की शुरुआत और दिखाते हैं आपको आज का भी इंटरेस्टिंग ब्लॉग। और खिल चुकी है धूप, बहुत अच्छा साफ मौसम आज का और मनमोहक नज़ारा पहाड़ों का, काफ़ी सुंदर। तो गाइस, हो चुके हैं आज के काम की शुरुआत और एक नई प्लेस पे आ चुके हैं हम। दिखाते हैं आपको क्यों आ रखे हैं और कहाँ आ रखे हैं। ये वो जगह है और ये हमने बरसात में निकाला हुआ था रेता और सीमेंट लेके आ चुके हैं हम यहाँ पे, और सारा सामान मेरा यहाँ पे आ चुका है। अब तो आप समझ ही गए होंगे मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ। तो गाइस, आज मैं यहाँ पर बनाऊँगा ब्लॉक, सीमेंटेड ब्लॉक बनाऊँगा यहाँ पर। तो दिखाते हैं आपको आज का भी इंटरेस्टिंग ब्लॉक। दिनेश भाई की मदद से ला चुके हम रेते के ऊपर, तीन कट्टे रेता और एक कट्टा सीमेंट, थोड़ा रेता और लाएंगे, फिर बनाएंगे फर्स्ट क्लास ब्लॉक। ये हमारा सामान और ये है जगह। हो चुका है हमारा मेटल तैयार और फर्मे भी हो चुके हैं तैयार। तो डालते हैं इसमें मसाला और बनाते हैं ब्लॉक। तो दिखाते हैं आपको आगे। तो गाइस, फाइनली बन चुके हमारे इतने ब्लॉक, 15 ब्लॉक बन चुके हैं आज का, और मेटेरियल भी ख़त्म हो चुका है। आधा कट्टे का मेटेरियल बनाया है, आधा भी बचाया हुआ है। तो आधा देखेंगे इसके बाद बनाएंगे या फिर कल बनाएंगे। तो मिलते हैं आपको आगे। और पहुंच चुका हूं मैं घर में और हो चुका है आज का काम। ये है घर में बनाए हुए ब्लॉक, इनको हो चुका है आज पलटने का टाइम और इनकी सिंचाई करने का भी टाइम हो चुका है। तो पलटते हैं इनको और शाम को धूप ढलने के बाद करेंगे इनकी सिंचाई। और पलट लिया है इनको, अब ये चारों तरफ से सूख जाएंगे अच्छे से और बन जाएंगे ये मजबूत ब्लॉक और हो जाएंगे मकान बनाने के लिए तैयार। और धो लिया मैंने हाथ पैर और करता हूँ थोड़ा रेस्ट और लंच का वेट करते हैं। तो थोड़ी देर में करेंगे लंच और फिर देखते हैं आगे क्या होता प्रोग्राम। तब तक के लिए बने रहिए ब्लॉग में। और कुछ इस तरीके का है शाम दोपहर का मौसम, ठंडी ठंडी हवाएँ चल रही हैं और धूप एकदम सर के ऊपर है। पहाड़ों पे आ चुकी है छाया क्योंकि धूप ढलने का हो चुका है टाइम। सर्दियों में छोटे दिन होते हैं इसलिए जल्दी ढल जाती है धूप। इस साइड को है पूरे धूप का प्रकाश और इस साइड को आ चुकी है छाया। सुबह इस वाले पहाड़ पे रहती है धूप, तो
अभी इस पहाड़ की बारी। अभी ये पहाड़ तप रहा है और ये पहाड़ ले रहा है ठंड का आनंद। ये सुबह सुबह सेकता है ये पहाड़ धूप। और मिल चुका है हमको खाना। खाने में है आज घर की बनाई हुई बड़ी और तिल की चटनी। और हो चुका है मेरा भोजन और फिलहाल सेक रहा हूँ मैं धूप और करता हूँ आराम। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। और मिलते हैं कल नई इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जाने जिगर किधर चली नजर चुरा के आहा ओहो आहा ओहो।